जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम यहां शुरू हो रहा है और आज के इस कार्यक्रम का जो विषय है शिव संहिता पंचम पटल में जो चक्रों का रहस्य बताया गया है कौन कौन से चक्र होते हैं और उन चक्रों का रहस्य क्या है उस पर चर्चा की गई है तो वो चक्रों आज हम उस पर विचार करेंगे और शिव संहिता से देखेंगे कि किस तरह से कौन सी बात समझाने की कोशिश की गई है तो शिव संहिता के पंचम पटल में जो बातें बताई गई चार प्रकार के साधक बताए गए चार प्रकार के योग बताए गए मंत्र योग लय योग राजयोग मंत्र योग हट योग लय योग राजयोग उसी प्रकार से चार प्रकार के साधक मृदु साधक मध्यम साधक अधिमात्र साधक अधिमात्रतम साधक चार प्रकार के साधक भी बताए गए तीन प्रकार के विघ्नों की चर्चा हमने की भोग विघ्न धर्म विघ्न और ज्ञान विघ्न भोग भी विघ्न भोग तो विघ्न बनता ही है धर्म भी विघ्न बन सकता है और साथ ही साथ ज्ञान भी कई प्रकार का जो ज्ञान है योग के संदर्भ में विशेष करके हटयोग के संदर्भ में वह भी विघ्न बनते हैं तो जैसे कि बहुत सारे आसन की जानकारी रखना बहुत सारे आसनों का ज्ञान रखना यह भी विघ्न बनता है और आसनों के प्रति आसक्ति और उनका दुरुपयोग करना या किसी और रूप से उनका प्रयोग करना भी विघ्न बनता है प्रदर्शन के लिए आसनों का प्रयोग दिखावे के लिए आसनों का प्रयोग यह सब क्रियाएं भी विघ्न का ही रूप धारण कर लेती हैं तो विघ्न भी बनते हैं बहुत सारे तो विघ्न विघ्नों से हमें बचना चाहिए साधक बाधक तत्व के बारे में भी पीछे चर्चा किया गया अपथ्य अपथ्य क्या है अपथ्य क्या है कैसा भोजन करना चाहिए कैसा नहीं यह सब भी चर्चा हुई इसके आगे भगवान शिव प्रतीको उपासना के विषय में थोड़ा बताते हैं और चक्रों के विषय में बताते हैं प्रतीको उपासना क्या है अपने इष्ट की उपासना करना और अंतर में उनका ध्यान करना और उसके माध्यम से अंततः स्वरूप को प्राप्त करना अपने ही आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास करना कुछ ऐसी ऐसी दिशा दी गई है फिर चक्रों के माध्यम से अनेकों रहस्यों को प्रकट किया गया है तो चक्र कौन कौन से हैं अगर हम चक्रों की बात करें सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र फिर है स्वाधिष्ठान फिर है मणिपुर अनाहत विशुद्धि चक्र अनाहत चक्र फिर विशुद्धि चक्र फिर आज्ञा चक्र और फिर सहस्रार की चर्चा आती है फिर सुषमना की भी चर्चा आती है ब्रह्मरंध्र की भी चर्चा आती है ब्रह्मरंद्र और सहस्रार क्या एक ही चीज है यह भी एक प्रश्न उठता है कि ब्रह्मरंद्र और सहस्रार सहस्रार चक्र है ब्रह्मरंद्र है दोनों में अंतर है थोड़ा सा ब्रह्मरंद्र ज्यादा गुप्त है गुड़ है ज्यादा सूक्ष्म है ब्रह्मरंध्र का स्थान अंदर तालु कोहर में अंदर से भी बताया जाता है सुषमना का स्थान भी अंदर से बताया जाता है सुषमना की भी सूक्ष्म अवस्था है चित्रा चित्रा नाड़ी नाड़ी की भी सूक्ष्म अवस्था है चित्रा नाड़ी उसमें ब्रह्मरंद्र बहुत ही सूक्ष्म रूप से विद्यमान है इस तरह से बातों को कहा गया है यहाँ पर भी सहस्रार और ब्रह्मरंद्र की चर्चा अलग अलग की गई है शिव संहिता में भी तो हम चक्रों को देखते हैं और फिर सहस्रार में किसका वास है मूल में किसका वास है इन सभी विषयों पर भी चर्चा हुई है तो मूलाधार चक्र मूल चक्रम इसे कहा जा रहा है मूल चक्रम यह चक्र कुल नाम है आभा वाला है स्वयं भूलिंग से संगत है जहां द्विरंड नामक सिद्ध है और डाकिनी देवती है देवी है डाकिनी शक्ति वहां पर है मूलाधार में उस पद्म के मध्य में योनी है उसमें कुंडलिनी स्थित है मूलाधार चक्र में ही कुंडलिनी स्थित है और कुंडलिनी शक्ति का मुख माना जाता है कुंडलिनी शक्ति का जो पुच्छ है वह आज्ञा और सहस्रार में माना जाता है आज्ञा और सह से लेकर सहस्रार चक्र तक उसका पुच्छ अवस्था उसकी होती है मूल में उसका मुख माना जाता है अब आगे हम समझते हैं इसको अब इसी बात से कई बातें जुड़ी हुई हैं आप ऐसा मानो कि जैसे कोई विशैला सर्प है कौन सा सर्प है विशैला सर्प है उसका मुख तो मूल में है लेकिन उसका जो पुच्छ है वो ऊपर में है अर्थात सहस्रार में है कुछ इस तरह के भी कल्पना करने की बात कही जाती है अब उस पद्म के मध्य में योनि उसमें कुंडलिनी स्थित है और उसके ऊपर तेज स्वरूप काम बीज भ्रमण करता है उसके ऊपर स्फुरित तेज स्वरूप काम बीज भ्रमण करता है जो बुद्धिमान सदा मूलाधार में ध्यान करते हैं उन्हें दार दूरी सिद्धि क्रम से भूमि त्याग सिद्धि प्राप्त होती है शरीर की कांति उत्कृष्ट होती है और जठराग्नि बढ़ जाती है आरोग्य पटुता और सर्वज्ञता उत्पन्न हो जाती है मूलाधार का ध्यान करने भूत भविष्य वर्तमान को और सब कारण को जान जाता है न सुने हुए शास्त्रों के रहस्य भी वो जान जाता है ऐसे बहुत सारे योगी हैं और योग साधना करते हुए योग साधना करते हुए ऐसे बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं जो कि हम पढ़े भी नहीं होते हैं शास्त्रों में और बाद में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अरे ये सब तो वही बातें लिखी हुई है जो मैं अनुभव करता हूं और समझता हूं इसका मैं खुद एक उदाहरण हूँ खुद साधना करते हुए मैंने कई ऐसी अनुभूतियाँ प्राप्त की और जब मैंने योग साहित्य को पढ़ा जैसे कि यह शिव संहिता ही ले लीजिए इसी को पढ़ते हुए मुझे बहुत सारी ऐसी बातें मिली जो मैं ऑलरेडी साधना में उसके अनुभवों को कर चुका हूँ ठीक है कई तरह की समझ ऑलरेडी विकसित हो चुकी होती है हम अनुभव कर चुके होते हैं और फिर जब ग्रंथों को पढ़ते जैसे नाद के विषय में नाद लय के विषय में शिव संहिता में जो लिखा गया है वह अनुभव है शिव संहिता में पढ़ने के पहले ही वो अनुभूति मुझे हो चुकी ऐसे कई अनुभूतियाँ ऐसे मिलती हैं कि जो हमें हो चुकी अगर हम साधना मार्ग पर सही से अगर चलते हैं और सही कोई मार्गदर्शक मिलता है सही कोई गुरु जो सही शास्त्र सम्मत तरीके से बताता हो ठीक है तो निश्चय ही हम वैसी बताई हुई साधना मार्ग पर बहुत सारी अनुभूतियां कर लेते हैं बहुत तरह की अनुभूतियां हम कर लेते हैं ठीक है तो यह विषय यहाँ पर चर्चा में लिया गया है तो मूलाधार चक्र से जरा मरण आदि दुख समूह नष्ट होते हैं तो मूलाधार चक्र की महिमा यहाँ पर बताई गई है कि उस चक्र के जागृत होने से चक्र का अच्छी स्थिति में होने से नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए चक्रों में जागृत चक्र होने चाहिए ठीक है हल्के चक्र होने चाहिए इसके लिए मूलाधार को जागृत रखने के लिए पंद त्रिबंध का अभ्यास महाबंध का अभ्यास करना चाहिए मूलाधार को जागृत रखने के लिए सिद्धासन और महामुद्रा का अभ्यास करना चाहिए मूलाधार को जागृत रखने के लिए अश्वनी मुद्रा और बंद का अभ्यास संकुचन जो होता है मूलाधार का वो सब का अभ्यास रखने से और जो बस्ती है बस्ती क्षेत्र है मूलाधार बस्ती क्षेत्र में होता है तो बस्ती क्षेत्र साफ होना चाहिए हमारा मतलब कि पेट साफ होना चाहिए नेगेटिविटी वहाँ नहीं होनी चाहिए तो जब योगी स्वयं भूलिंग सहित तो मूल पद्म का ध्यान करता है तो उसी क्षण वो पाप से मुक्त होता है बाहर और अंदर जो श्रेष्ठ और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय है उससे श्रेष्ठतम अन्य कोई नहीं जिसका मूलाधार चक्र जागृत वही कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर पाता है ठीक निरंतर अभ्यास से छह मास में सिद्धि होती है दिन प्रतिदिन आलस्य को छोड़कर आत्मलिंग का अर्चन करना चाहिए और चिंतन मात्र से सकल सिद्धि प्राप्त होती है। जिसका मूलाधार जागृत होता है ठीक आगे चर्चा कर रहे हैं स्वाधिष्ठान चक्र की स्वाधिष्ठान अब देखिए यहाँ पर चक्रों के अक्षर भी बताए जा रहे हैं उनकी शक्तियां उनमें कौन सी शक्ति का वास है वह भी बताया गया है तो लिंग मूल में स्थित दूसरा कमल चक्र है। जो है लिंग मूल में स्थित दूसरा कमल चक्र ब से ल तक छह वर्णों में ब म ल से भाषित होता है छह वर्णों में भाषित होता है स्वादिष्ठान चक्र ठीक है वह स्वाधिष्ठान नामक कमल रक्त वर्ण का होता है रक्त वर्ण में होता है जहां बाण और राकनी अधिदेवता है जैसे छह चक्रों की छह देवियां छह शक्तियां भी बताई गई थी डाकनी राकिनी शाकिनी ये पहले भी चर्चा कर चुका हूं मैं पहले अध्याय में भी इसकी थोड़ी चर्चा मिलती है तो स्वादिष्ठान में राकिनी अधिदेवता है जहां बाण नामक सिद्ध और राकिनी अधिदेवता है वह स्वादिष्ठान नामक कमल रक्त वर्ण का होता है मतलब लाल रंग का रक्त की तरह ठीक यह लिंग मूल में स्थित होता है अर्थात ऊपर थोड़ा सा ऊपर चक्र से थोड़ा सा ऊपर होता है इसे स्वादिष्ठान बोलते हैं जो पुरुष दिव्य स्वादिष्ठान चक्र का सदा ध्यान करता है उसी काम कामांगनाएं काम से मोहित होकर भजती हैं ठीक न सुने गए अनेक शास्त्रों को निशशंक भाव से वह कहता है सब रोगों से रहित तो होकर ऐसे लोगों को कभी कोई काम संबंधी विकार उत्पन्न नहीं होते स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने से कभी भी कोई विकार उत्पन्न उत्पन्न नहीं होते उनको और उनके अंदर एक सम्मोहन एक आकर्षण बना रहता है इसीलिए कहा गया कि चक्र जागृत होने से उसे कामांगनाएं काम से मोहित होकर बचती हैं अर्थात उससे लोग मोहित होंगे लेकिन वो मोहित नहीं होता शीघ्र ही वह मोहित नहीं होता उससे लोग मोहित हो जाते हैं तो न सुने गए अनेक शास्त्रों का निशंक भाव से उनको ज्ञान होने लग जाता है जिनको उन्होंने सुना पढ़ा नहीं है जी हाँ यह अनुभव है यह होता है वह मृत्यु को नष्ट कर देता है और किसी के द्वारा भी नष्ट नहीं होता है देह में वायु संचरित होती है और रस की वृद्धि होती है वह सहस्र दल कमल के श्राव से अमृत की वृद्धि होती है और वह हमेशा वीरवान बना रहता है मणिपुर चक्रम इस प्रकार से स्वादिष्ठान के बारे में बताने के बाद मणिपुर चक्र तृतीयम पंकजम नाभव मणिपुर संज्ञकम मणिपुर चक्रम अर्थात तीसरा चक्र तीसरा कमल पद जो है वो उसे मणिपुर कहते हैं तो मणिपुर चक्र की क्या विशेषता है नाभि कमल मणिपुर संज्ञा वाला है वह हेम वर्ण से सुशोभित युक्त है वहां रुद्र नामक सर्वमंगलदायी सिद्ध है तथा लाकिनी नामक अधिष्ठात्री देवी का वास है कौन सी देवी का वास है लाकिनी डाकिनी शा डाकिनी, शाकिनी लाकिनी काकिनी हाकिनी ऐसे वर्णन किया गया है उस मणिपुर चक्र में योगी सदा ध्यान करता है उसे नित्य सुखदायी पाताल सिद्धि प्राप्त होती संसार में दुख एवं रोग विनष्ट होकर अभिष्ट प्राप्त होता है काल का वंचन और परदेह में प्रवेश का सामर्थ्य प्राप्त होता है ठीक है दुख एवं रोग विनष्ट होते क्योंकि मणिपुर चक्र वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है नौली क्रिया आदि करनी चाहिए मणिपुर को जागृत रखने के लिए योग करना चाहिए बस्ती कर्म से भी मणिपुर जागृत रहता है जामबंद करण स्वर्ण बनाने का सामर्थ्य और सिद्धों का दर्शन होता है औषधि और निधियों का दर्शन भी होता है मणिपुर चक्र के विषय में ये सब बातें बताई गई अब है अनाहत चक्र हृदय अनाहतम नाम चतुर्थम पंकजम भवेत चतुर्थ हृदयस्थ अनाहत चक्र होता है से ठ वर्ण से ठ वर्ण पर्यंत द्वादश वर्ण से वह समन्वित है वह अति लाल वायु का बीज और प्रसाद स्थान कहा गया है मतलब वो वायु का प्रसाद स्थान मतलब वायु का महल कहा क्योंकि यहां पर हमारे फेफड़े हैं और फेफड़ों की जो गति है वो हृदय चक्र की शक्ति पर निर्भर होती है ठीक है इसलिए इसे वायु प्रसाद प्रसाद शब्द का अर्थ क्या होता है प्रसाद वो खाने वाला प्रसाद नहीं प्रसाद मतलब महल को भी प्रसाद बोलते हैं कई जगहों पर आप अगर पौराणिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो महल के लिए या घर के लिए या बड़े घर के लिए महल भी ना बोले तो बहुत बड़े घर के लिए जो जो आकार में बहुत बड़ा हो जिसका आंगन बहुत बड़ा हो उनको प्रसाद बोलते हैं ठीक है आपको पुरानी कथाओं में भी इस शब्द का अर्थ मिलता है तो प्रसाद ये वायु का बीज और प्रसाद स्थान कहा गया है ठीक तो वायु का स्थान माना गया है यह और अति लाल वायु का बीज और प्रसाद प्रसाद स्थान कहा गया है तो से ठ वर्ण पर्यंत द्वादश वर्ण से वह समन्वित है पहले कितना था दस वर्ण था इसमें द्वादश वर्ण होते हैं तो से सेठ तक इसे अनाहत चक्र कहते हैं अनाहत चक्रम हृदय अनाहतम नाम चतुर्थम पंकजम भवेत इस प्रकार से यह अनाहत चक्र के नाम से प्रसिद्ध चक्र है इसकी विशेषता क्या इस पद में स्थित जो परम तेज है वह लिंग कहा गया है उसके स्मरण मात्र से दृष्ट अदृष्ट का फल प्राप्त होता है जहां पिनाकी सिद्ध और काकनी देवता अधिष्ठित है कौन सी देवी है वहां पर पिनाकी सिद्ध देवता काकनी देवी है वहां काकनी शक्ति का वास है वहां पर उस हृदय रूपी कमल में जो साधक सदा ध्यान करता है उससे कांता और कामार्थ दिव्य शक्तियां अप्सराएं भी मोहित होती हैं उसका ज्ञान त्रिकालयज्ञ और अप्रतिम होता है दूर से सुनने और देखने की शक्ति स्वेच्छा से आकाश गमन करता है वो दूर से सुन सकता है देख सकता है उसे सिद्धों का और योगनियों का दर्शन भी होता है अनाहत चक्र में खेचरी सिद्धि और खेचर गामियों में जय प्राप्त होती है खेचरी सिद्धि भी अनाहत से ही होती है परम बाण लिंगम का ध्यान करता है खेचरी एवं भूचरी सिद्धियां उसे प्राप्त होती हैं इस ध्यान का महात्म्य कहा नहीं जा सकता ब्रह्मादि सब देवता इस ध्यान को गोपनीय रखते तो ये बातें अनाहत चक्र के विषय में बताई गई है अब है विशुद्ध चक्रम कंठस्थान स्थितम पद्म विशुद्धम नाम पंचम सुहेमाभम स्वरोपेतम षोड संयुतम अर्थात इसका अर्थ क्या है इस श्लोक का कि पंचम विशुद्ध चक्र कंठ स्थान में स्थित है कंठस्थान उदान वायु का स्थान है आकाश तत्व का स्थान है तो पंचम विशुद्ध चक्र कंठ स्थान में स्थित है वह स्वर्णाभा से शोभित और सोलह स्वरों से युक्त वहां छगलांड सिद्ध देवता तथा शाकनी देवती देवी प्रतिष्ठित है जो इस चक्र का नित्य ध्यान करता है योगेश्वर विद्वान करता है उसे उसे योगी को विशुद्ध नामक इस पद्म में चारों वेद समुद्र रहस्य के समान भाषित होते हैं इस विशुद्ध चक्र में स्थित योगी यदि क्रोध करता है तो समस्त तरलोक ही कांप जाता है इसमें संशय नहीं उसी क्रोध से पूरा तीनों लोग कांप जाएं यह स्थाने मनो दैवात याति यदा तदा ब्राह्य परित्यज्य सवान्तरे रमते ध्रुवम इसमें जिसका मन दैववश जब लय होता है तब वह बाह्य जगत विषय को त्याग कर राम में रमन करता है सहस्रों वर्ष में भी वज्र जैसे कठोर अपने शरीर की शक्ति से उसकी कोई क्षति नहीं होती जब योगी उस ध्यान को छोड़ता है तो सहस्रों वर्षों को भी वह क्षणवत मानता है इस प्रकार से विशुद्धि चक्र का प्रताप बताया गया है आज्ञा चक्रम आज्ञा चक्रम इसके बाद जिस चक्र की चर्चा होती है वह आज्ञा चक्र है आज्ञा चक्र के विषय में भगवान शिव क्या कहते हैं शिव संहिता में आइए देखते हैं ध्रुवों के मध्य भ्रु मध्य ध्रुवों के मध्य में ह से लेकर छ छा तक क्षत्रिय वाला छ ह से लेकर छ तक दो पत्र वाला आज्ञा चक्र है जो तो शुक्ल वर्ण है तथा वहां महाकाल सिद्ध है और देवी हाकिनी है वहां देवी हाकिनी का वास होता है आज्ञा में चंद्र जैसी वहां आभा वाला अक्षर बीज विद्यमान है जो शुक्ल वर्ण है इसका वर्ण शुक्ल मतलब सफेद बताया गया है ठीक उसे जानकर अब इसमें आपको भेद मिलेगा अब आप कहोगे नहीं जी आज्ञा चक्र का तो कलर जो होता है वो इंडिगो होता है डीप ब्लू होता है लेकिन शिव संहिता में ऐसा वर्णन नहीं है शिव संहिता में शुक्ल वर्ण बताया जा रहा है आज्ञा चक्र का कलर क्या बताया जा रहा है शुक्ल वर्ण बताया जा रहा है ठीक है सफेद रंग बताया जा रहा है तो सफेद रंग ही सबसे ज्यादा हीलिंग कैपेसिटी कैपे क्योंकि उसके अंदर सारे रंग होते हैं तो सबसे ज्यादा हीलिंग करने की क्षमता व्हाइट कलर में होती है सफेद रंग में होती है सबसे ज्यादा शांति प्रदान करने वाला रंग होता है ठीक और चलित वस्तुओं का रंग होता है चलित वस्तुओं मतलब कि चलने वाली चरा जो चर वस्तुएं हैं उनका रंग सफेद होता है ठीक व्हाइट कलर होता है उनका रंग चलने वाली वस्तुओं का क्योंकि चंद्रमा जो है चर वस्तुओं का देवता है और चंद्रमा का रंग भी सफेद होता है और चलने वाली हर वस्तु सफेद हो जाती है न्यूटन कलर डिस्क न्यूटन कलर डिस्क के बारे में जानते हैं आप लोग अब बोलते बोलते मुझे थोड़ा फिजिक्स ध्यान में आ गया तो न्यूटन कलर डिस्क जो है उसमें सेवन कलर्स होते हैं और वो एक डिस्क के रूप में होता है गोल डिस्क के रूप में होता है अगर उसे चला दिया जाए मूव कर दिया जाए तो वो सारा कलर उसका डिसपियर हो जाएगा और उसमें एक कलर दिखाई देता है व्हाइट कलर ठीक उसमें एक रंग दिखाई देता है सफेद रंग तो आज्ञा चक्र शुक्ल वर्ण से है ठीक है और इसकी जो देवी है आज्ञा चक्र में शुक्लवर्ण और देवी हाकिनी है सरस चंद्र जैसी वही आभा वाली अक्षर बीज विद्यमान है सरस चंद्र, चंद्र मतलब शरद ऋतु का जो चंद्रमा है शरद ऋतु का चंद्रमा मतलब शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है अब इसकी तुलना चंद्रमा से आज्ञा चक्र की, की जा रही है तो शिव संहिता की व्याख्या थोड़ी अलग हो सकती है वैसे चक्रों का रंग बताते हैं तो सहस्रार का वॉयलेट और आज्ञा चक्र का इंडिगो बताते हैं लेकिन लेकिन यहां पर शिव संहिता में आज्ञा चक्र का जो कलर है वो वाइट बताया जा रहा है जो लोग स्पिरिचुअल हीलिंग का कोर्स किया है जिन्होंने वहां पर भी हीलिंग एनर्जी को जो कि ध्यान योग के कोर्स में स्पिरिचुअल हीलिंग का भी कोर्स होता है तो आप लोगों में से कई लोगों ने हीलिंग का भी कोर्स किया है वहां पर व्हाइट कलर की ही एनर्जी को बताया गया है सफेद रंग की हीलिंग एनर्जी होती है वाइट कलर में हीलिंग एनर्जी होती है तो ये चक्रों का विज्ञान हीलिंग से जुड़ा होता है ठीक है तो जब भी हम किसी को हीलिंग देते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग में स्पिरिचुअल हीलिंग की जो वीडियोस हैं और जिन्होंने कोर्स किया है हीलिंग का अगर नहीं किया है करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 20 सितंबर से जो कोर्स शुरू होगा तो उसमें व्हाइट कलर की हीलिंग एनर्जी के बारे में ही बताया गया है तो यहां पर शरत चंद्र शरद ऋतु का चंद्रमा छह ऋतुएं हैं ना शरद ऋतु शिशिर ऋतु अगर शरद ऋतु तो शुरू कर तो फिर शिशिर या शीत ऋतु बोलते हैं शीत ऋतु फिर बसंत हम्म, इस तरह से हमारी ऋतुएं आती हैं शीत शिशिर वसंत फिर ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु रितु, छह ऋतुएं होती हैं इसका भी हमें गया तो यहां पर क्योंकि शास्त्रों में जो बहुत सारी बातें हैं वो इन ऋतुओं पर आधारित होती हैं इन ऋतुओं पे आधारित होती हैं। तो शरद चंद्र के समान वो सफेद क्योंकि शरद चंद्र शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वो अमृत वर्षा करता है शरत पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वह क्या करता है अमृत वर्षा करता है तो अमृत वर्षा चंद्रमा से होती है तो चंद्रमा का स्थान कौन सा है यह भी अभी आगे हम पढ़ेंगे इसी व्याख्यान में इसके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं भगवान शिव ने तो आज्ञा चक्र शरद चंद्र जैसी वहां आभा वाली अक्षर बीज विद्यमान है उसे जानकर परमहंस पुरुष दुखी नहीं होता यह परमहंसों का स्थान है जो आज्ञा चक्र है वह परमहंसों का स्थान है साधारण लोगों का स्थान नहीं है वो ठीक वहां परम तेजस्वी अधिदेवता सब तंत्रों में गोपनीय आज्ञा चक्र जागृत होने वाले के अंदर स्वाभाविक रूप से मंत्र और तंत्र शक्ति विकसित हो जाती है वो अनायास ही किसी मंत्र को शुद्ध कर लेते हैं और कोई भी तांत्रिक क्रिया वो कर दे तो वो बिना ज्यादा सीखे बिना अभ्यास ना भी किया हो वो उनके द्वारा हो जाती है संपूर्ण सूक्ष्म जगत में रहने वाले जो योनि में जो रहने वाले चाहे वो कोई भी हो उन सब का वो दर्शन बहुत आसानी से कर लेते हैं सिद्धों का भी दर्शन कर सकते हैं देवताओं बुद्ध और प्रेत योनि में भटकने वाले जीवों को पितरों को भी वो जान सकते हैं मिल सकते हैं उनसे बातें भी कर सकते हैं ऐसी स्थिति बन जाती है जब आज्ञा चक्र विकसित हो जाता है तो, तो वह परम तेजस्वी देव अधिदेवता सब तंत्रों में गोपनीय उसके चिंतन से परम सिद्धि प्राप्त होती है इसमें संशय नहीं सूर्य रूप तृतीय लिंग में ही वहां मुक्ति दाता हूं मैं ही अहम तत्व ही वहां मुक्ति दाता हूं इसके ध्यान मात्र से योगी निश्चय ही मेरे समान हो जाता है शिव जी कहते हैं पूर्ण रूपेण जिसका जागृत हो जाए आज्ञा चक्र वो स्वयं शिव के समान ही हो जाएगा और तूर्य अवस्था को प्राप्ति प्राप्ति यही लोग कर पाते हैं गीता में प्रतिपादित अहम तत्व का विषय वर्णित हुआ है ठीक है तो ये कहा जाता है ईड़ा ही पिंगला ख्या वरुणासिति होती ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियां वहां वर्णा और असी कही गई हैं। ईडा को वर्णा कहा जाता है और पिंगला को असी कहा जाता है उन्हीं के मध्य में वाराणसी और यहां साक्षात विश्वनाथ विराजमान है मतलब जो आज्ञा चक्र का स्थान है ये भूमध्य इसको वाराणसी कहा गया है इसको वाराणसी कहा गया इसको काशी कहा गया है ईड़ा पिंगला सुखमना तीन बसे इकठाई बेणी संगम तह प्रयाग मनम्जन करे तिथाई वहीं पे प्रयाग है इसी स्थान पर ठीक तो ईड़ा ही पिंगला ख्या ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईडा पिंगलोर मध्य सुषुमना च सरस्वती ठीक है तो आध्यात्मिक दृष्टि से इस चक्र का बहुत ही महत्व है इस चक्र के जागृत होने से संपूर्ण कामवासनाएं नष्ट होती हैं और योगी जो है नष्ट होती है कहने का मतलब ऐसा नहीं कि नष्ट हो जाती हैं कहने का तात्पर्य कि उनका अपने आप ही त्याग हो जाता है जहां पर कि मूलाधार और स्वादिष्ठान और मणिपुर में भौतिक सिद्धियां सांसारिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है ज्यादातर शरीर ब्लस्ट होता है जठराग्नि व्यक्ति का शरीर कामदेव के समान हो जाता है और ऐसी बातें और वो सम्मोहन उसके अंदर आ जाता है स्वादिष्ठान जागृत हो जाए और इस तरह की बातें अभी हमने पीछे पढ़ी, कामांगनाएं सम्मोहित होती हैं अगर कोई स्त्री है तो वो उसका शरीर अप्सराओं के समान हो जाएगा पुरुष है तो उसका शरीर कामदेव के समान हो जाएगा ऐसे वर्णन भी मिलते तो लेकिन यहां आज्ञा चक्र अलग चीज है आज्ञा चक्र जागृत होने से पहले तो पांच स्थान ही जीवात्मा के बताए गए हैं शिव संहिता में पांच स्थान कौन कौन से जीवात्मा के हैं जी विशुद्धि चक्र अनाहत चक्र मणिपुर स्वादिष्ठान और मूलाधार ये पांच स्थान हैं जो साधारण रूप से कार्यरत रहते हैं आज्ञा चक्र उसी का जागृत होगा जो ध्यान योग करेगा जो कुछ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेगा कुछ जो ध्यान योग आदि कुछ क्रियाएं करेगा वही अपनी आज्ञा चक्र उसी की आज्ञा चक्र जागृत हो पाता है अन्यथा साधारण मनुष्य के लिए आज्ञा चक्र जागृत नहीं होता है आज्ञा चक्र जागृत नहीं होता है ठीक है ये बात भी यहां पर स्पष्ट की गई है ठीक तो यह आज्ञा चक्र का स्थान यह स्थान का महात्म तत्वदर्शी ऋषियों द्वारा शास्त्रों में परम तत्व रूप में बहुत प्रकार से कहा गया है यह तत्व दर्शन का मार्ग है आज्ञा चक्र क्या है तत्व दर्शन का मार्ग है ठीक है तत्व दर्शन का मार्ग है जो तो तत्व ज्ञानी ऋषि मुनि होते हैं वो इस मार्ग से गुजरते हैं सुषुमना मेरु से मेरु से जाती है जहां बरंद आज्ञा चक्र से ही सुषुमना मेरुदंड से होती हुई ब्रह्मरंद्र तक जाती है वहां से यह परावृत्त होकर आज्ञा चक्र के दक्षिण वामना का पुट को हो जाती है जिसे गंगा कहा जाता है ठीक तो इस प्रकार से आज्ञा चक्र के बारे में बताया गया है अब इसके आगे सहस्रार चक्रम सहस्र कमल दल वालों वाला सहस्रार चक्र उसके लिए क्या लिखते हैं ब्रह्मरंद्रे ही यथ पदम सहस्रारम व्यवस्थितम तत्र कंदे ही या योनिष्त श्याम चंद्रो व्यवस्थित ब्रह्मरंद्र में जो सहस्रार कमल स्थित है उस कमल के कंद में जो योनि है उसमें चंद्र विराजित है कौन विराजित है चंद्रमा विराजित है अब यहां पर बहुत बड़ा रहस्य भगवान शिव प्रकट करना शुरू कर देते हैं जो बहुत कम योगियों को इसका ज्ञान है बहुत कम योगियों को उसके बारे में पता है दो तीन बातें हैं लंबे श्लोकों में लिखा हुआ है लेकिन जो मुख्य बातें हैं मैं आपको बताता हूं क्या कहा जा रहा है यहां पर कहा जा रहा है कि दो योनि स्थान है शरीर में दो योनि स्थान है शरीर में एक है मूलाधार उसको भी योनि कहा गया है मूलाधार को भी योनि स्थान बताया गया है ठीक है मूलाधार को भी मेहन अंग से लेकर उत्सर्जन अंग तक बीच का स्थान मूलाधार चक्र का स्थान और उसे योनि स्थान भी कहते हैं एक वह योनि स्थान है और एक सहस्रार में योनि स्थान है ये दो योनि स्थान है और इन दो योनि स्थान में दो देवताओं का वास है कौन कौन से सूर्य और चंद्रमा तो सहस्रार में जहां ब्रह्मरंद्र है जहां ब्रह्म योनि है वहां पर चंद्रमा का वास बताया गया है और मूलाधार में वहां पर सूर्य का वास बताया गया है सूर्य का वास बताया गया मूलाधार में सूर्य का वास बताया गया है और सहस्रार में चंद्रमा का वास बताया गया है। सहस्रार में अमृत का वास बताया गया है ध्यान से सुनिएगा सहस्रार में अमृत का वास बताया गया है ब्रह्मरंद्र में अमृत का वास बताया गया है और क्या है उलाधार में विष का वास होता है विष विष, टॉक्सिक जहर बनता है वहां पर विष का निर्माण होता है अब आप पूछोगे विश्व का निर्माण होता है जी हां मूलाधार में विश्व का निर्माण होता है और अगर विश्व की मात्रा बढ़ जाएगी तो मूला मूलाधार की विशेषता यह है कि मूलाधार चक्र अगर भारी होता है नेगेटिविटी होती है एक्टिव नहीं ज्यादा होता है तो विष की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी और दूसरे चक्रों के प्रभाव को वो प्रभावित करता है उसी प्रकार आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र भी दूसरे चक्रों के प्रभाव और क्रियाओं को प्रभावित करता है मूलाधार भी यही काम करता है इसलिए मूलाधार में विष का निर्माण होता है और मूलाधार के पास बस्ती क्षेत्र होता है बस्ती क्षेत्र क्या होता है जी बड़ी आंत का क्षेत्र आपके शरीर में जो विष बनता है वो बड़ी आंत में बनता है क्यों बनता है बड़ी आंत में क्योंकि जो आपकी बड़ी आंत है एंटेस्टाइन है वो क्या है जो बड़ी आत है वो डस्टबिन है आपके बॉडी का आपके शरीर में आप जो भी खाते हैं और जो ऐब्जर्व नहीं होता जो मल है जो ऐब्जर्व नहीं किया बॉडी ने जिसको सोखा नहीं जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जो बच गया भैया वो विषय तो है और वो सब जाकर कहां इकट्ठा हो गया बस्ती क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है और बस्ती क्षेत्र में ही जठराग्नि का वास होता है सूर्य का वास होता है सूर्य देव का वहां पर वास माना गया है और सहस्रार में चंद्रमा का वास माना गया है अमृत तत्व का वास माना गया है इसलिए ठंडा रखना चाहिए सिर को कहा गया है तो मूलाधार में वहां पर अग्नि का वास है सूर्यदेव का वास माना गया है मस्तक पर सहस्रार में चंद्रमा का वास वहां से अमृत झरता है और वह जो अमृत है वो सूर्य का ताप में जल जाता है खत्म हो जाता है नष्ट हो जाता है इसलिए अमृत साधना करनी चाहिए खेचरी साधना करनी चाहिए खेचरी साधना से उस अमृत की रक्षा होती है नहीं तो अमृत गिरता है और उस अग्नि में जल जाता है जठराग्नि में जलकर नष्ट हो जाता है ऐसा माना गया है लेकिन खेचरी मुद्रा से उसकी रक्षा की जाती है अमृत साधना से उसकी रक्षा की जाती है सोमधारा बरसती है अमृत तो वहां पर शरद का चंद्रमा है कौन सा चंद्रमा है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा तो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की विशेषता क्या है हम चंद्रमा की पूजा कब करते हैं चंद्रमा की पूजा ज्यादातर सूर्य की पूजा होती है लेकिन चंद्रमा की भी पूजा होती है शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा में इन दो पूर्णिमा में चंद्रमा की पूजा होती है चंद्र अस्त से पूर्व स्नान करने का विधान है कम से कम बहुत सारे जगहों पर चंद्रमा अस्त हो जाए उसके ठीक पहले स्नान करने का विधान है जो, जो नदियों के क्षेत्र है गंगा यमुना नर्मदा वहां पर नदियों में जाकर लोग सुबह सुबह चंद्र अस्त होने के पहले स्नान करते कार्तिक पूर्णिमा में तो चंद्रमा की पूजा होती है शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की पूजा होती है कार्तिक पूर्णिमा के चंद्रमा की पूजा होती है तो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अमृत वर्षा करता है शरद पूर्णिमा के शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने रास रचा था और अधरा अमृत का पान कराया था अधरा अमृत मतलब ये होठों का अमृत नहीं अधरा अमृत जो धरा से परे धरा से परे जो अमृत गगन मंडल से बरसता है वो महान साधना वो ज्ञान तो उससे अध ऐसे अधरा अमृत का पान श्री कृष्ण ने गोपियों को कराया था तो महारास रचा गया था शरद पूर्णिमा के दिन तो शरद चंद्रमा यहां पर सहस्रार में किसका वास है शरद चंद्रमा का वास है अमृत का वास है और मूलाधार में विश्व का वास है मूलाधार में विश्व बनता है ठीक है विश्व का निर्माण होता है मूलाधार में तो इसीलिए जो यौगिक क्रियाएं हैं षटकर्म आदि की कई क्रियाएं और कई योग की क्रियाएं बस्ती आदि क्रियाएं विश्व को बाहर निकालने के लिए शरीर से हम विश्व को बाहर निकालें और उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बस्ती क्रिया है जिससे कि त्रिदोष का नाश होता है पित्त कफ तीनों का नाश होता है बस्ती क्रिया से ठीक तो यह जो है मूलाधार और इसका सूर्य का जहां वास है वहां विश्व का निर्माण होता है चंद्रमा का जहां वास है वहां अमृत का निर्माण होता है ऐसे रहस्यों को यहां पर बताने की कोशिश की गई है उस त्रिकोणाकार योनि से निरंतर अमृत स्रवता है वहां ईड़ा में चंद्र अमृत समरूप से

तो उस त्रिकोणाकार योनि में निरंतर अमृत स्रवता है वहां ईड़ा में चंद्र और अमृत समरूप से स्रवता है चंद्रमा द्वारा निरंतर धारा रूप से अमृत गमन करता है जो वामना सापुट को जाता है और योगियों ने इसे गंगा कहा है वह नाड़ी आज्ञा चक्र के दक्षिण से वामना सापुट को गई है और उद्गवाहा नाम वाली यही गंगा कही जाती है नाड़ी को ही गंगा कहा जाता है और पिंगला को यमुना कहा जाता है कीड़ा भगवती गंगा पिंगला य... यमुना नदी कीड़ा पिंगलोर मध्य सुषुमना च सरस्वती सुषुमना के बीच में तत्र स्नानम प्रकूर्वित सर्व पापे वहां स्नान करने से सारे पाप नष्ट होते हैं यहां स्नान करने से यहां पर जीव स्नान करता है ध्यान योग में स्नान करता है जब ध्यान योग करेगा तो यहां पर स्नान होगा ठीक वहां स्नान करने से उसके सारे पाप नष्ट होते हैं वहां दोनों से इस स्थान में वाराणसी का चिंतन करते हैं यही वाराणसी है ठीक यही वाराणसी है इसी को वाराणसी नाम से बताया गया है इसी को प्रयाग नाम से बताया गया है इसी को गया धाम नाम से भी लोग जानते हैं शास्त्रों में ये तीनों जो धाम है लगभग लगभग समान दूरी पर स्थित है प्रयाग काशी और गया आध्यात्मिक रूप से इन तीनों को ही तीनों का स्थान ध्यान की अवस्था में बताया गया है ऐसे कहा गया है ठीक तो मूलाधार ही यथ पदम चतुष्पत्रम व्यवस्थितम तत्र मध्ये ही तस्याम सूर्यो व्यवस्थिता चार पत्र वाला मूलाधार में जो कमल स्थित है वह कंद में जो योनि है उसमें सूर्य स्थित है उस सूर्य मंडल से निरंतर विष का, का श्राव होता है उस सूर्य मंडल से निरंतर विष का श्राव होता है ठीक वह तापन विष पिंगला में गमन करता है विष किस नाड़ी में गमन करता है पिंगला नाड़ी में विष का गमन होता है वह विश्व निरंतर धारा रूप में प्रवाहित करती है दक्षिण नासापुट को जाती है जो पूर्वत कल्पित है आज्ञा कमल से वाम भाग से यह दक्षिणा सापुट को गई है यह दक्षिणा सापुट दक्षिण नासिका नाड़ी के लिए कहा जाता है दाहिने के लिए राइट साइड के लिए ठीक पिंगला उसी का नाम है और पिंगला को असी भी कहा गया है असी और वरुणा वरुणा नदी वरुणा जो है को कहा गया दोनों को मिलाने से वाराणसी हो जाता है ठीक है ये बात यहां समझाई गई है यह आज्ञा पद्म कहा है जहां देव महेश्वर विराजमान है ठीक आज्ञा पद्म में देव महेश्वर कहाँ विराजमान है आज्ञा पद्म में आज्ञा चक्र में आज्ञा पद्म जिसे कहते हैं वहीं पर देव महेश्वर विराजमान है शिव साक्षात शिव विराजमान है जहां पर उसके ऊपर योग चिंतकों द्वारा तीन पीठ कही गई है वह नाद बिंदु शक्ति भाल पद्म में व्यवस्थित है नाद बिंदु शक्ति भाल पद्म में व्यवस्थित है जो सदा आज्ञा पद्म का गोपनीय ध्यान करता है उसका पूर्व कृत कर्म स्वयं ही विनष्ट हो जाता है जो आज्ञा पद्म का ध्यान करता है आज्ञा चक्र का ध्यान करता है उसके पिछले जन्मों के जो कर्म हैं वो नष्ट हो ही जाते हैं योगी यहां निरंतर ध्यान करे मादी पूजन को तब वह निसंदेह अनर्थवत जानता है यक्ष राक्षस गंधर्व अप्सरा गण किन्नर उसका चरण सेवन करते हैं जो आज्ञा चक्र में ध्यान लगाता है आज्ञा चक्र में अपनी चेतना को स्थित रखता है वह इच्छा मृत्यु को भी प्रदान होता है भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि जो सिद्ध योगी है वो क्या करता है कि अपने संपूर्ण प्राण को यहां पे भ्रिकुटी के मध्य में एकत्र कर लेता है श्रीमद भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इस रहस्य को लिखा है यहां पर एकत्र कर लेता है और इच्छा मात्र से देह त्याग सकता है वह योगी इच्छा मात्र से देह त्याग सकता है इस प्रकार से भी इसका रहस्य बताया गया ठीक तो आज्ञा चक्र का रहस्य योगी विपरीत गामी जिहवा को ऊर्ध्व गर्त में प्रवेश करके भयानक नाशक ध्यान को करता है सारे भय दूर हो जाते हैं खेचरी साधना से अमृत साधना से इस स्थान पर जिसका मन आधे क्षण भी अचल हो जाता है उसके सब पाप नष्ट होते हैं जो जो फल पंच कमलों के कहे हैं वे सब इस ज्ञान से अच्छी प्रकार से हो जाते हैं सुनिए ध्यान से अब सबसे बड़ा रहस्य सबसे बड़ा रहस्य क्या है जो जो फल पंच कमलों से कहे हैं उन सबका लाभ एक साथ प्राप्त हो जाता है आज्ञा पद में ध्यान करने से पंच कमल कौन से पंच कमल कौन से जी विशुद्धि ठीक है विशुद्धि यहां पे, अनाहत नाभि के पास मणिपुर उसके पीछे लिंग क्षेत्र में स्वाधिष्ठान और उसके नीचे मूलाधार तो कहा ये जा रहा है कि जो आज्ञा चक्र में ध्यान लगाता है उसको जो पंचकमल है उनका भी पूरा लाभ उसे मिल जाता है इसीलिए ध्यान करने के लिए हमेशा इधर ले जाया जाता है इसलिए ध्यान योग जो हम करवाते हैं इसीलिए स्वामी विवेकानंद जब चक्रों के रहस्य के बारे में पूछा रामकृष्ण परमहंस से तो उन्होंने कहा कि बस जो आज्ञा पद्म है उसी का ध्यान होना चाहिए जिनको आज्ञा पद्म का ध्यान करने की विधि जिनके पास नहीं है या जो कोई ऐसी साधना नहीं करते जहां पर आज्ञा पद्म का ध्यान हो उन्हें नीचे का वो नीचे के चक्रों का वो ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जो आज्ञा पद्म में ध्यान लगाते हैं जो ध्यान योग करते हैं उन्हें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं उन, उनका मूलाधार जागृत होगा नहीं होगा उनका स्वाधिष्ठान जागृत होगा नहीं होगा अगर वो यहां ध्यान लगाते हैं तो पांचों जो चक्र हैं नीचे के जिसमें एक साधारण मनुष्य रहता है साधारण जीव जिसमें गमन करता है जो पांचों चक्र हैं वो संतुलन में बने रहेंगे वो बिगड़ेंगे नहीं उनकी व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं यह रहस्य को समझिए यही सबसे बड़ा रहस्य यहां प्रकट किया गया दो तीन बातें अब अलग से ये सहस्रार का वर्णन करने के बाद अलग से भगवान शिव जो मुख्य मेन पॉइंट्स हैं उनको बता रहे हैं पहले तो उन्होंने बताया कि सहस्रार में अमृत मूलाधार में विष सहस्रार में चंद्रमा मूलाधार में सूर्य वहाँ विष बनता है अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो सबसे ज़्यादा हठ योग में मूलाधार के ऊपर मूलाधार को संकुचित करना मूलाधार को एक्टिव रहने की बात की गई है अगर जिन लोगों का मूलाधार उनके नियंत्रण के बाहर है जिनके शरीर में मूलाधार को वो संकुचन कई मैंने लोग ऐसे देखे मैंने कहा कि जो मूलाधार का क्षेत्र है मलद्वार और मेहन इंद्रियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको आप संकुचित कीजिए छोड़िए क्या कर पा रहे हैं अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके शरीर में विष की मात्रा बढ़ी हुई है आप समझ लीजिए मूलाधार का संकुचन करने से शरीर के व्यवस्था पर एक नियंत्रण बना रहता है इसलिए हठ योग में मूलाधार की साधना है मूलाधार का अभ्यास कई बताई जाती है लेकिन जो राजयोगी है आज्ञा चक्र राजयोगियों का केंद्र है राजयोगी कभी नीचे नहीं जाते है। बोलते हैं यहीं पे आओ सीधा ठीक है और अगर यह एक्टिव है अगर जिसका आज्ञा पद्म एक्टिव है जिसका आज्ञा चक्र विकसित है उसे कोई आवश्यकता नहीं कि वो नीचे चक्रों का बहुत साधना करे क्योंकि तो अगर यह विकसित है तो नीचे वाले भी विकसित रहेंगे एक जगह पर पीछे भी शिव संहिता में, में कहा गया है कि उस कुंडलिनी शक्ति को कैसे उठाना चाहिए तो उसके मुख से नहीं उठाना चाहिए उसका पूंछ पकड़ के उठाना चाहिए तो उसका पूंछ यहां पर है मुख तो मूलाधार में है उसका और वो मुख से क्या उगलता है विश्व उगलता है विश्व तो कुंडलिनी शक्ति का जो वास सर्प के रूप में ऐसे बताया गया है कि मूलाधार में उसका मुंह है और उसका पूंछ यहां सहस्रार और आज्ञा चक्र के क्षेत्र में है तो अगर उसको उठाना है अगर उसको पकड़ना है तो उसकी पूंछ को पकड़ो उसका मुख मूलाधार में है और वहां से वो विष को छोड़ता रहता है वहां पर सूर्य का वास है जठराग्नि का वास है वहां पर बस्ती है वहां पर बड़ी आत है वहां पर बड़ी आंत में विष का निर्माण होता है सबसे अधिक सबसे अधिक जो बीमारियां पैदा करने वाले टॉक्सिक्स हैं वो बड़ी आँत में होते हैं इसलिए योग में शुष्क बस्ती जल बस्ती आदि क्रियाएं बताई गई हैं धोती आदि क्रियाएं बताई गई हैं विष को बाहर निकालने के लिए ठीक है तो करना चाहिए प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स डिटॉक्सिफिकेशन कोर्स है मतलब कैसे अपने शरीर से जहर को हम बाहर निकालें विशाली चीजों को हम बाहर निकालें उसके उद्देश्य से यह प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स है ठीक है तो सीखना चाहिए जानना चाहिए सबको तो जो आज्ञा जिसका आज्ञा चक्र विकसित है उसके बाकी चक्र भी विकसित रहेंगे उसको चिंता करने की आवश्यकता इस विषय में नहीं है तो यही पर भगवान यहां पर कह रहे कि यानी यानी ही प्रोक्तानी पंचपद में फलानी वे तानी सर्वानी अज्ञान तो तो अज्ञानाद भवंती ही जो जो फल पंच कमलों के कहे गए हैं वो सब इस ज्ञान से अच्छी प्रकार प्राप्त हो जाते हैं ठीक है तो आज्ञा में स्थित होने से आज्ञा चक्र में स्थित होने से वो सारे फल प्राप्त होते हैं तो आज्ञा का यहां पर वर्णन करते हुए भगवान शिव इस तथ्य को समझा रहे हैं ठीक तो यानी यानी ही प्रोक्तानी पंच पद में फलानी परंतु पांचों पद में पांचों चक्रों का जो फल है वो अकेले आज्ञा चक्र में प्राप्त होता है यह करोती में विचक्षण जो बुद्धिमान आज्ञा कमल में सदा अभ्यास करता है वह वासना के महाबंधन को तिरस्कृत करके प्रसन्न होता है जो आज्ञा का अभ्यास करता है इसका अभ्यास करता है प्रणव साधना करो जो ध्यान योग कर रहे हैं कर चुके हैं प्रणव साधना करो तो जो आज्ञा का अभ्यास करता है वही मात्र क्योंकि नीचे के चक्रों में वासनाएं हैं इसमें वासना नहीं है तो जो आज्ञा का अभ्यास करता है वो अपने सभी चक्रों को जागृत करता है और पंचकमलों का जो पूर्ण लाभ है उसे प्राप्त होता है ठीक तो जो विद्वान प्राण प्रा, प्रयाण के समय समय उस कमल का स्मरण करते हुए प्राण छोड़ता है वह धर्मात्मा परमात्मा में लीन होता है जो विद्वान प्राण प्रयाण के समय उस कमल का स्मरण करते प्राण प्रयाण मतलब मृत्यु के समय ध्यान से सुनिए मृत्यु के समय मृत्यु के समय जिसकी स्थिति आज्ञा चक्र में हो जाए मृत्यु के समय जिसकी स्थिति आज्ञा चक्र में हो जाए वह मुक्ति को प्राप्त होता है अर्थात वह Osionfish. मुक्त हो जाता है जीवन मुक्त हो जाता है मृत्यु के समय अगर स्थिति आज्ञा चक्र में हो जाए इसी को काशी कहा गया इसलिए शास्त्र कहते हैं काश यांतु मरण मुक्ति काश ब्रह्म तत्व प्रकाश काशयांतु मरण मुक्ति काश तत्व प्रकाश यश्याम अवस्थायाम सा काशी काशी की अवस्था कौन सी है जब तत्व प्रकाश आज्ञा चक्र में दिखाई दे और आपकी जो आपकी जो भावनाएं हैं वो आज्ञा चक्र में केंद्रित हो जाए प्राण प्रयाण के समय प्राण प्रयाण मतलब जब प्राण गतिमान होते हैं प्राण शरीर का त्याग करते हैं उस समय यदि ध्यान आज्ञा चक्र में लग जाए यदि ध्यान आज्ञा चक्र में लग जाए प्राण प्रयाण के समय मृत्यु के समय तो वह जीवात्मा कभी अधोगति को प्राप्त नहीं हो जाता वह जीवन मुक्त हो जाता है वह जो है और अगर योगी है तो वो मोक्ष को ही प्राप्त कर लेता है अन्यथा वो जीवन मुक्त हो जाता है जीवन मुक्त कहने का तात्पर्य उसके जीवन का बंधन खत्म हो जाता है जीवत्व बंधन नष्ट हो जाता है बस नाम मात्र का संकल्प लोक कल्याण का संकल्प उसके पास होता है तो वो अवतरित होता है वो अवतार लेते हैं ऐसे जीवात्माएं ऐसे सिद्ध पुरुष जिन्होंने आज्ञा चक्र से अपने देह का त्याग किया आज्ञा चक्र से अपने देह का त्याग किया वो जो है जीवन मुक्त हो जाते हैं हमेशा वो किसी बंधन में नहीं रहते हैं और ना ही दोबारा शरीर धारण करना उनकी कोई व्यवस्था होती है ठीक अगर संकल्प विद्यमान है थोड़ा बहुत तो लोक कल्याण के संकल्प के कारण वो धरती पर आ सकते हैं जैसे भगवान राम आ गए कृष्ण आ गए कई ऋषि मुनि आ गए तो यह सब आज्ञा चक्र की महिमा यहां पर बताया यहां रुद्र का स्थान भी बताया गया है रुद्रदेव यहां पर वास करते अमृत ये सब बहुत गुड रहस्य है शिव संहिता से ही हट योग की चर्चा प्रारंभ होती है अब इसी का आधार लेकर शिव संहिता का आधार लेकर ही कुछ कुछ विषयों का विकास किया जाएगा जैसे कि आसन आदि का विकास करके हट प्रदीपिका में थोड़ा बताया जाएगा लेकिन हठ प्रदीपिका में भी नादानुसंधान समाधि की चर्चा है हिरण संहिता में जाएंगे तो आसनों का और ज्यादा विकास कर दिया जाएगा और फिर आपको वहां लगेगा जैसे मूलाधार का ध्यान करो मूलाधार का ध्यान करो ज्यादा कहा जा रहा है जी नहीं ठीक है मूलाधार चक्र का महत्व है लेकिन जो योगी राजयोग से आज्ञा चक्र की ओर आगे बढ़ चुका है वो पंच पद्मों को अपने नियंत्रण में कर लेता है उनका लाभ भी उसे मिलता है बाकी शरीर के शुद्धि के लिए हठ योग करना चाहिए षठकर्म आदि क्रियाएं करनी ही चाहिए मुद्राओं का अभ्यास भी करना ही चाहिए लेकिन जो ध्यान योगी उनमनी मनोमनी अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं जिनके जिनकी चेतना आज्ञा में बहुत आसानी से संगठित हो जाती है संग्रहित हो जाती है समग्र हो जाती है इंटीग्रेट हो जाती है यहाँ पर जिनकी चेतना वैसे योगियों के लिए हठ योग बहुत अनिवार्य नहीं रह जाता है क्योंकि हट योग का उद्देश्य क्या है हट योग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति ही तो है यही हट प्रदीपिका का विषय है तो कल से हट प्रदीपिका ग्रंथ पर हम चर्चा शुरू करेंगे नाथ संप्रदाय गुरु गोरखनाथ संप्रदाय से संबंधित स्वामी स्वात्मा राम जी के द्वारा रचित हठ प्रदीपिका पर हम चर्चा शुरू करेंगे तो शिव संहिता में राजयोग हठ योग चार प्रकार के योग बता दिए गए मंत्र योग हट योग लय योग और राजयोग तो राजयोग तक की चर्चा है आज्ञा चक्र और सहस्रार की महिमा है अमृत और विश्व की चर्चा चंद्रमा का स्थान और सूर्य का स्थान बताया गया है ठीक अब यहां पर प्रश्न उठता है कि सूर्य का स्थान विश स्थान क्यों है क्यों क्योंकि जो सूर्य जो मूलाधार है वो हमें संसार में एक्टिव रखता है इसलिए दिन के काल में सूर्य नाड़ी चलती है पिंगला नाड़ी चलती है दाहिनी ओर की नाड़ी चलती है दाहिनी नासिका जो है वो चलती है ठीक है तो सूर्य नाड़ी मान रहती है और रात्रि के समय चंद्रमा ठीक है? तो चंद्रमा का अमृत हम प्राप्त करें इसके लिए कहा जाता है शरद पूर्णिमा में सोना नहीं चाहिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में जितने समय बैठ सके बैठना चाहिए ठीक है चलिए अब हम चलते हैं तो ये सब शिव संहिता के गुण ज्ञान हैं जो अभी भी कुछ मुझे लगता है कि शिव संहिता में अभी भी, भी बहुत सारी बातें हैं कुछ बातें ऐसी हैं जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते वो बातें स्त्री पुरुष प्रणय संबंधों के साथ हैं उसके लिए बेहतर होगा ये यूट्यूब का एक पब्लिक चैनल है तो वो बातें हम आपसे यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं तो क्योंकि यह पब्लिक प्लेस हो जाता है YouTube, यहाँ पर जब हम लाइव कर रहे हैं तो तो वो आप खुद अध्ययन करें हो सकता है कि और भी कई नई और नई चीजें बताएंगे लेकिन जो मुख्य बातें हैं चक्रों के विषय में कुछ साधना से सुषुम्ना से संबंधित कुछ बातें ब्रह्मरंद्र से संबंधित कुछ बातें हैं लेकिन वो पहले जो बताई गई हैं उसी का विस्तार करके दोबारा लिखा गया है लेकिन चक्रों का ये रहस्य अभी तक बचा हुआ था और भगवान शिव ने भी पंचम अध्याय में ही चक्रों के रहस्य को बताया कौन से चक्र का रंग उसके अक्षर और उसमें बसने वाली शक्ति का नाम क्या है वो सारे चर्चा वो यहाँ पर करते हैं और फिर ये ऐसे समझाते हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं समय काफ़ी हो चुका है जिज्ञासुओं तो आपके प्रश्न तो नहीं ही लेंगे निश्चित है कि नहीं लेंगे बाकी ध्यान योग का कोर्स शास्त्र सम्मत ध्यान योग का कोर्स है ये और जो भी यहाँ पर कोर्स है ऐसी बात नहीं है कि मैं मैंने खुद इसका अनुभव किया है और इस जो साधना में आपको करवाता हूं ध्यान योग में खुद इसका अभ्यास किया है और तब जाकर आपको भी ये करवाया जाता है तो और जिन लोगों ने किया है वो इसका दिव्य अनुभव प्राप्त करते हैं तो ध्यान योग का कोर्स जो आपके दिव्य नेत्र को खोल देता है आज्ञा चक्र को जागृत कर देता है ऐसा यह कोर्स है आपके दिव्य नेत्र को खोल देता है आज्ञा चक्र को जागृत कर देता है इसमें नाद ध्यान अमृत साधना जैसी अतेंद्रिय साधनाओं का वर्णन है और उसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके सिखाया जाता है ठीक है आपको कैसे करना है कैसे आगे बढ़ना है ठीक है तो ध्यान योग का अद्भुत कोर्स है जो कि 20 सितंबर से शुरू हो रहा है और इसी ध्यान योग के साथ हीलिंग का कोर्स अभी मैंने कहा ना कि आज्ञा चक्र में जो रंग है वो सफेद रंग लिखा है शरत चंद्र की चंद्रमा की तरह सफेद रंग शरत चंद्र की तरह तो सफेद रंग की शक्ति हीलिंग एनर्जी जो है वो कैसे अपने अंदर हम डेवलप करते हैं और हम कैसे उसका प्रयोग भी हीलिंग में कर सकते हैं उसके लिए भी चर्चा इस कोर्स में हो जाता है स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से तो गाइडेड मेडिटेशन फिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग का ये कोर्स होता है जुपिटर और सन मेंबरशिप है जुपिटर मेंबरशिप जो ज्वाइन करते हैं वही पूरा कोर्स करते हैं जो सन मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का कोर्स नहीं दिया जाता है बाकी गाइडेड मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन उनको सिखाया जाता है तो ये कोर्स है बीस सितंबर से शुरू हो रहा है आप इसका यथासंभव लाभ उठाइए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें व्हाट्सअप मैसेज कर लें नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन ठीक है नंबर पर संपर्क कर आप निश्चय इससे लाभान्वित हो सकते हैं उसी प्रकार से अपने शरीर को विषय मुक्त रखें विषाक्त चीजों से टॉक्सिक से फ्री रखें डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है या प्राकृतिक चिकित्सा ठीक है नेचुरोपैथी आज के समय में इसकी बहुत आवश्यकता है क्यों आवश्यकता है क्योंकि हम विष हमारे शरीर में बढ़ता जा रहा है हमारे खान पान से दूसरा ऐसी बीमारियां विकसित हो रही हैं जो उस विष का आधार लेकर विकसित हो जाती हैं शरीर में और फिर हम उनसे बच नहीं पाते हैं लाइलाज बीमारियां जिनकी कोई दवा भी नहीं होती है तो निश्चय प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें ठीक है हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें तो चलिए इस तरह से हम जो है इस कोर्स के बारे में समझे जाने और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं ठीक है तो इसी के साथ विराम दिया जाएगा कार्यक्रम को आपके प्रश्न हैं कुछ पूछना चाहते हैं वो तो नहीं हो पाएगा आज पवन कुमार गुप्ता जी काशीनाथ जी नवजोत नाथ जी आपके कमेंट नहीं पढ़ेंगे बस नाम पढ़ेंगे जगत नारायण जी ब्रह्मा जीक बिक्रम सिंह जी, जी पंकज सोनी राकेश मराठे रूपलाल विश्वकर्मा गंभीर शाह रमेश भाई पटेल वेलकम टू मून आप यहाँ पर देखिए ये कार्यक्रम यहाँ पर होता है लाइव चर्चा होती है इसमें ज्ञान की चर्चा होती है मून मेंबरशिप इन्होंने ज्वाइन किया है कुछ मेंबरशिप हैं लेकिन ध्यान योग के लिए आपने कोई मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करना है यही बताया गया है आप मून मेंबरशिप ज्वाइन या ऐसे मेंबरशिप ज्वाइन कर कर भी सहयोग कर सकते हैं नहीं तो सुपर चैट के माध्यम से जो चैट चलता है इसमें आप सुपर चैट भी कर सकते हैं अगर आपको यह व्याख्यान अच्छा लगता देखिए इन सब विषयों के बारे में चर्चा करना और बताना यह बहुत सहज कार्य नहीं है आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे गुरुजी मिलेंगे जो कुछ साधना करवाएंगे जो कुछ भक्ति की बातें बताएंगे आपको दीवाना बनाएंगे कि बेटा दीवाना बन जाओ तुम तो इसी में ठीक है लेकिन यह जो शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान है इसको प्रस्तुत करने के लिए भी इसके पीछे बहुत कार्य करना पड़ता है तभी यह प्रस्तुत होता है तो आप सुपर चैट के माध्यम से भी कुछ डोनेट अगर करना चाहें तो इस चैनल को कर सकते हैं मैं प्रसन्न होऊंगा इससे पूर्व यूट्यूब बहुत प्रसन्न होता है ठीक है अगर आप यूट्यूब के माध्यम से कुछ भी फंड करते हैं तो ठीक है तो ये चीज है अगर जो करना चाहते हैं जैसे कि रमेश भाई पटेल ने यहां पर किया है तो इसलिए मैंने ये बात आपको बताई रविंद्र मकवाना जी और निश्चय ही ऐसा अभियान आगे बढ़े ऐसा अभियान आगे बढ़े ज्ञान का अभियान आगे बढ़े सनातन धर्म आगे बढ़े इसके लिए हमें कार्य करना ही चाहिए हाँ निश्चय ही हमें आंखें खुली रखनी चाहिए खुली रखनी चाहिए कि कहीं पर कोई व्यर्थ का काम तो नहीं हो रहा जब हम अपनी आंखें खुली रखेंगे जागृत रखेंगे तो निश्चय ही हम एक बहुत बड़ा सहयोग करते हैं ज्ञान के प्रचार में सनातन धर्म के प्रचार में कन्हैया कुमार राजूपाल जी घनश्याम सरोदे जी विनोद के सूद जी शिखर शर्मा जी सविता नायक जी श्वेता राय सिन्हा बिमला शाह जी उषा श्रीवास्तव रतन सिंह राम निवास मीना संतोष गुप्ता बलवंत सिंह गोहिल अर्जन भाई चौहान भाई लाल चौवटिया राम अबनी प्रधान अपूर्व विश्वकर्मा एम के अवधेश कुमार जी विंदेश्वर मिश्रा जी विष्णुचंद्र मौर्या रमेश पेशवानी जी अभिनंदन है आपका जयंती भाई पटेल श्वेता कुमारी सुजाता देसाई स्मिता सावंत रमेश यादव जी ब्रह्मा जी राजेंद्र चौहान विनोद कुमार शर्मा आशा रानी जी राम विलाजी राकेश कुमार साहू राम लखन राजपूत धन्यवाद भारत दिनेश भाई बीखू कुचाड़िया शिवम भट्ट उदय शंकर प्रथमेश हीरालाल यादव गौतम दास अजित पाटिल अमन कक्कर सतीश कुमार योगेंद्र पंडित राकेश चंद्र शर्मा अशोक माली जी अशोक रावल उत्कर्ष तिवारी रूपलाल विश्वकर्मा रूपलाल विश्वकर्मा जी जबलपुर से आप हैं आपसे ध्यान योग सीखकर मेरा जीवन धन्य हो गया मुझे जीवन में जिस मार्ग की तलाश थी वो मिल गया मुझे साधना करते हुए एक बरस हो गए साधना में अब आनंद आने लगा है जी हाँ रूपलाल विश्वकर्मा जी लगभग एक वर्ष पहले इन्होंने ध्यान योग का कोर्स किया था ठीक है और उनका अनुभव है एक वर्षों का एक वर्ष का अनुभव है कि वो कैसे आनंद का अनुभव कर रहे हैं अर्जुन पाटिल जी नितीश सिन्हा जी ब्रह्मा जी सविता नायक जी ठीक गणेश पवार संदीप अरोड़ा संदीप अरोड़ा गुरु जी चक्रों पर जो हिंदी वर्णमाला के जो शब्द बताए जाते हैं क्या इनका क्या इनके शब्द वहां पर वो उच्चारण का महत्व होता है उन शब्दों के उच्चारण से चक्र एक्टिव होते हैं कमलेश उपाध्याय भव्या भी, राकेश गुप्ता सरोज कृष्णानी सहबराव साहिब पाटिल शिखर शर्मा मगन सूथर जी सर सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करना चाहिए तो क्या भोर चार या पाँच बजे बिना स्नान किए ध्यान योग कर सकते कर सकते हैं जी प्राणायाम आदि की भी क्रियाएँ कर सकते हैं ठीक सविता नायक जी पांडुरांग वराले बहुत अभिनंदन है आप सभी का और इसी के साथ विराम देते हैं जो ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं संपर्क कर कर ध्यान योग के कोर्स की जानकारी लें तो बहुत बहुत आभार आप सभी का